नॉट फॉलो मैंने बांध रखे मतलब ये आप हाँ ठीक है एक हाजिरी तो उधर लगा के आनी पड़ती है अभी नहीं जाती अरे मैं चली जाती 4 बजे मेरी फ्रेंड्स बैठी थी वो तो काम वाली नहीं आई महारानी बोलते थे जिससे मैं जब कलर नहीं मिला था तो बाल एक अब वो मैं जहाँ पे जाती हूँ ना सैलून में तो दीदी का थोड़ा सीखने जाती हूँ ना तो उन्होंने मेरे बालों में एक कलर ऐसा लगाया कि मेहंदी छुपा दी कलर पड़ तो ये मेहंदी हट गई 4 नंबर हो गया ना फिर 3 और 5 4 हो गया अब वो तो पता नहीं लेकिन मेहंदी तो छुपा दी ना वो लाल पीले नीले काले गोल्डन तो वही आ गया ना वो ब्राउन ना सा आ गया ना वो ऐसे रहेंगे नू जो है वो तो रह रही रहेगा जो है ठीक है अंकल की तबीयत हाल हाँ बैठे हैं अब परसों दिखाना है पता चल जाएगा आंखों में तेज होता ना ये तेरी जैसे बर्फ बर्फ थकान के लिए और गर्मियों में यही सबसे अच्छा मैं कल से सोचती थी मैंने कहा जिस दिन वॉश करूंगी पहले करवा के आऊंगी तो मैं एक ही शैम्पू बस यूज करती हूँ एक लड़की ने बताया था मेरे का डव का वो आता है ना हेयर फॉल वाला उससे थोड़ा कम गिरने लगे टूट कर रहा है तो लेकिन भैया वो ना शाइनिंग नहीं देता डव वाला मतलब नहीं वो ड्राइनेस करते थे अच्छा लगता है फिर पसीना आ गया 2 दिन बाद तो खराब करता है मतलब नहीं नहीं खराब तो नहीं करता वो लेकिन ड्राइनेस होती है उसमें डव में कह सकते हैं कि बस वो ऐसे मौसम के लिए नहीं अच्छा ये क्या लगाओ फिर शैम्पू करके अपना ऑयल वगैरह सब मुझसे खुद के बारे में लगाने की इच्छा नहीं होती कुछ भी नहीं चाहते आपने उसकी ईद की ड्रेस खुद बनवाई थी डेली बाजार से लाए थे पहन के बैठी थी एक टाइम तो धोती पहनाई थी वो कुर्ता पजामा टाइप का थोड़ी ना होगी भैया अभी नचाइए अभी चलती चला आराम के अभी चला रहा हूँ पापा ले आ जाएंगे ना फिर ले आना उसको खुद ही होने वही बहुत होता है हमारा सूट कहाँ से मारा तुमने कुर्ता पजामा मारा क्यों क्या हो रहा है यार यही सब
अच्छा लग रहा है, मुझे समझ नहीं आती और ये मैं रगड़ती रहती हूँ घर में खराब कर लो। मैं यही से लिया था कि क्या बोलती हूँ। 400 रुपए का कुर्ता था ये बस। अनंत मिला था क्या आपको इस बार? नहीं नहीं दिखा, एक दिन के लिए आया था मैं। संडे को आपकी दुकान खुली थी क्या? बाहर नहीं निकला ये, अंदर की आदत हो गई। ये बालों में हल्कापन है, ठीक है ठीक है, सही है बस यहाँ से थोड़ा कम हो रहा है। मैंने आपको बताया था ना आगे टेंशन की बीमारी। अभी क्या कह रहे हैं? ठीक है वो बुजुर्ग भी होता, उनकी मम्मी तो तब भी ठीक लगती है, वो ज्यादा बुजुर्ग लगते हैं ना ऐसा कुछ है। मम्मी लगती है, मम्मी लगती है अगर वे नाजुक है मम्मी। अभी भी किसी के बेटी या बेटा डाला था, अभी किसका फिर हुआ है? बुढ़िया हुई है, बुढ़िया हुई है फिर वही देखने दे, मुझे पता नहीं। रोजी तो आ रहा है, सामने तो बैठे होते हैं, सामने भी कहा अंदर बैठे होते हैं। अच्छा। तभी तो कह रही हूँ आज बाई नहीं आई, नहीं तो हम लोग 4 बजे ही चले जाते उधर बुआ लोगों के घर पैदल पैदल। अच्छा। और वो आई 7 बजे काम वाली, और फिर इनको 6 बजे योगा जाना होता है सबको। हाँ। तुम नहीं जाते? मेरा खुद योगा निकल गया, वहाँ नहीं जाती तुम? मैं भैया कह रही हूँ ना मैं सैलून जाती हूँ। अच्छा। सुबह 11 से 8 मतलब फुल सीख रहे हो? हाँ सीख रहे हैं। कभी सीखते हो? कभी अपना कर लेते हो? बड़ा हार्ड लगता है अपना तो है ना। अच्छा। लेकिन अपना वो वाला नहीं है ना, जैसे आप लोग करते हो इतना वो केमिकल्स के काम, वो तो काम और तो सब कर लो आप नॉर्मल चीजें तो, लेकिन वो बोटेक्स और ये या आपकी स्मूथनिंग हो गई और उसे मैं देख रही थी बड़ा उससे करा है बहुत। नहीं मैम ने जो उनका नाम कायनात है, कायनात ही है भैया वो, देख लो उनको। ये देखिए। अच्छा ये घर के पास है? 10 मिनट कैसा चल रहा है इनका? हमारे वहाँ पे 12 जो हमारी सिटी ना इनका नंबर 1 है। अच्छा। इनका ये मैं आपको पार्लर दिखाती हूँ, यहाँ से स्टार्टिंग कोर्स कराती हूँ। कोर्स करो तो करो, लेकिन मैंने तो उनको ये बोला मुझे आता है तो मेरे से पैसे नहीं ले रही है। अच्छा। मैं उनको अपना दे रही हूँ ना टाइम। पार्लर की डिलीट कर दी, ये देखें यहाँ से स्टार्ट हुआ चलता है। और यहाँ फर्स्ट गर्ल्स ही है,
सारी गर्ल्स है, बॉयज का अलाउड नहीं है। इनके रूम्स बहुत सारे हैं, ये मैं ही बना दूंगा। ये सुबह मॉर्निंग का है ना, जैसे हम आए तो उस टाइम बनाया ना। उधर दो फेशियल्स के रूम अलग है और एक मेकअप का जो रूम है वो उसके अंदर एंट्री नहीं है किसी की। ये अपना मेकअप किसी को नहीं बताती, फोटो लगी हुई है जिसकी दुल्हन भी इन्होंने करी हुई। बढ़िया बंदी है, बंदी भी बहुत अच्छी है, मीठा बोलती है। चार लड़की सीखने वाली चार अलग आती है जो 20,000 में, एक जना 20,000 का, एक लड़की का 20,000 लेती है। उसी में सब आ गया। अब आप एक बारी में सीख जाओ अलग है, आपकी मर्जी, वो दोबारा नहीं बताएगी। हाँ। या आप कहो मुझे दोबारा आईब्रो बता दो या दोबारा वो बता दो, मतलब ही नहीं। क्या करोगे अब सीख के? सही कह, अब तो थक गए, बहुत मेहनत है भैया, और हर चीज के लिए टाइम देना पड़ता है। अब आप तो यहाँ देखो भाग कर आ गए, ठीक है, आ गए ना, तो फिर क्या हुआ? कुछ भी नहीं हो रहा। अब तो नहीं कर रहा, वही कर रहा। सही बात है, इतना पैसा लगाने से बेकार है, और प्रोडक्ट कितने महंगे आते हैं। भैया कितनी देर में घर पहुंचते हो आप? आपका घर भी कितना दूर है भाई, तेज चलाते हो क्या? नहीं तेज ज्यादा दूर पड़ा। अच्छा, तो तुम्हें लगता है नहीं सही। आज बुआ पूछी थी ना क्यों जा रहे, मैंने कहा भैया की गाड़ी लाया, हम घर जाएंगे। अब तो कहती कहाँ रहते, कहते हाई ना इतनी दूर रहता है। जो तुम बुआ के यहाँ से पैदल नहीं पहुंच पाओगे, कितने में घर पहुंच? बुआ का पैदल में बताओ कितना मिनट लगेगा? जितना भी लगे। 10 मिनट 10 मिनट इतने में घर पहुंच जाता। तो आप स्पीड पे चला गए? नहीं, आराम से चलाता हूँ, अंदर से है, शॉर्टकट से। अच्छा अच्छा, आपने एक बार मेरे से कहा था ना कराना, तो फिर मैंने कुछ इस बार तो करा के जाऊंगी। की पढ़ाई सही चल रही? सही चल रही है। आपको फोटो दिखाऊं कैसा लगने लग गया आपको? कब से नहीं देखा आपने, आज फोटो आई है। आज इनका म्यूजिक का था। अच्छा। वो आई है, ये देखिए। अच्छा। लगभग महीना
कोई भी नहीं करे, मतलब तो पता नहीं कैसे करा हुआ है। दो माँ बाप के एक बच्चा हो वो ऐसा ही होता है, दो माँ बाप के तीन चार बच्चे हो माँ बाप लोग तो होते हैं। भैया हमेशा मेहंदी कट के ही क्यों हाइलाइट्स होते हैं यार, ये बताओ ऐसे बालों पे हाइलाइट्स क्यों नहीं होते? यही हो बात, क्यों नहीं है इन बालों में, क्यों नहीं कलर चढ़ता जब एक इक्वल बाल होते हैं तो? अच्छा नहीं करा मालिश, ये तो सीरम है। हाँ भैया ने, मैं तो तेल लगा रही हूँ। हाँ ये तो वो होता है सीरम, पेट्रोल तो लगता नहीं। आप कितने बजे आ गए सुबह? नौ वहाँ राजस्थान में कैसी है दुकानदार? सब फेल सब बैठे हैं, हाथ जोड़ के ऑनलाइन वालों की चल रहा है, धंधे खत्म कर खत्म हो गए ऑनलाइन वाले ही जिंदा है। सभी नहीं है, सबके उनका भी अलग अलग है मसला। ऑनलाइन भी ऐसा है जो ज्यादातर फ्री में दे दे, ऑनलाइन तो दे भी हमारी तो ऊपर ठीक है ना, बहुत है हो गया अच्छे से, बहुत ही हो गया। बाल छुड़ाऊं नहीं ना, ऐसे ही सुबह फिर अड़ेंगे तो नहीं धुलने पे? दुकान पे उधर पापा की दुकान पे मैं लगा सबका भाई बता दो जल्दी से। तो